हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम स्नाइडर की TM200 PLC के अंदर IO एड्रेसिंग कैसे करते हैं और IO मैपिंग कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। स्नाइडर की TM200 PLC को प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम है मशीन एक्सपर्ट बेसिक। इस सॉफ्टवेयर को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर यहाँ पर रीड प्रोटेक्शन को हम इनएक्टिव कर देंगे, राइट प्रोटेक्शन को भी हम इनएक्टिव कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर वाई डिफॉल्ट इसने कोई भी PLC ले ली, लेकिन हमारे पास जो PLC है वो TM200CE24U है। तो हम M200 कंट्रोलर के अंदर आएंगे। M200 कंट्रोलर के अंदर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोलर दिखाई देंगे। हमारे पास जो कंट्रोलर है वो TM200CE24U वाली यूनिट है। तो यहाँ इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ये यहाँ पर रिप्लेस हो गया है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी दिखाई दे रहा है, TM200CE24U। ठीक है, तो इसके अंदर IO एड्रेसिंग डिस्कस करेंगे और IO मैपिंग भी इस क्लास में ब्रीफ करेंगे। इसके अंदर 14 DI हैं और 10 DO हैं। डिजिटल इनपुट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई देंगे और इसकी जो इनपुट की एड्रेसिंग होगी वो परसेंट आई से होगी। ऑनबोर्ड के डिजिटल इनपुट को हम परसेंट आई जीरो से डिनोट करते हैं और इसके अंदर टोटल 13 यानी कि परसेंट आई जीरो डॉट जीरो से लेकर के परसेंट आई जीरो 13 तक का इसके अंदर एड्रेस बने हुए हैं, बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो ये तो हो गए डिजिटल इनपुट के एड्रेस। उसके बाद डिजिटल आउटपुट के जो एड्रेस हैं वो परसेंट क्यू से स्टार्ट होते हैं। तो परसेंट क्यू और जीरो, जीरो मीन्स इसके ऑनबोर्ड पे हैं, तो ये परसेंट क्यू जीरो डॉट जीरो से लेकर के परसेंट क्यू जीरो डॉट नाइन तक इसमें 10 डिजिटल आउटपुट है। अब इसके बाद जो आउटपुट होते हैं या इनपुट होते हैं वो एक्सपेंड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर PLC के अंदर यानी कि TM200CE24U PLC के अंदर हम 4 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर हमें अगर कोई और बढ़ाने हैं, मान लीजिए डिजिटल इनपुट बढ़ाने हैं, तो डिजिटल इनपुट अभी के केस में हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट इसके ऑनबोर्ड पे अवेलेबल हैं वो 14 है। अगर इसको हमें और बढ़ाना है तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी कि एक एक्सपेंशन में एक डिजिटल मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। डिजिटल इनपुट मॉड्यूल कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे ये तो कंट्रोलर थे ऊपर वाले और यहाँ पर आप देख पाएंगे TM200 यानी कि TM200 के हमारे ये वाली सीरीज हो गई। तो TM200 के अंदर हम यहाँ पर डिजिटल इनपुट के मॉड्यूल, डिजिटल आउटपुट के मॉड्यूल इसके अंदर मिल जाएंगे। डिजिटल वाले IOs यहाँ पर TM2 डिजिटल IO लिखा है, यानी कि इसके अंदर डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के मॉड्यूल मिल जाएंगे। तो मान लीजिए मैं पहला यहाँ पर ये वाला मॉड्यूल ले लेते हैं, 16 चैनल का डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल ले लेते हैं, TM2D यानी कि डिजिटल, DI मतलब डिजिटल इनपुट 16 चैनल का। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा पहले स्लॉट में लग गया। तो इसकी जो एड्रेसिंग होगी वो परसेंट आई वन से होगी। तो इसके एड्रेस कहाँ मिलेंगे, इसके एड्रेस यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परसेंट आई वन डॉट जीरो से लेकर के, अब ये 16 तक था तो ये 0.15 तक हो जाएगा। अब मान लीजिए एक हमको डिजिटल आउटपुट चाहिए, तो डिजिटल आउटपुट के लिए भी इसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिजिटल आउटपुट के कुछ मॉड्यूल यहाँ पर दिखाई देंगे। मान लीजिए मैं इस मॉड्यूल को ले लेता हूँ, तो ये डिजिटल आउटपुट का मॉड्यूल है 16 चैनल का। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा क्योंकि ये आउटपुट है तो परसेंट क्यू से स्टार्ट होगा और दूसरे नंबर स्लॉट पर है, इसलिए इसका परसेंट क्यू टू से एड्रेस स्टार्ट होगा और 16 चैनल का है तो परसेंट क्यू टू डॉट जीरो से लेकर के परसेंट क्यू टू डॉट 15 तक एड्रेस होगा। ये कहाँ मिलेगा, इसी यहाँ पर डिजिटल आउटपुट आ गया, इसी मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे परसेंट क्यू टू डॉट जीरो से लेकर के परसेंट क्यू टू डॉट 15 तक इसके अंदर
एड्रेस ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आपके सामने मिल गए हैं। कैसे कैसे इसके एड्रेसिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है ये आपने देख ली। अब हम एनालॉग के दो ले लेते हैं, एक पहले एक एनालॉग इनपुट ले लेते हैं। तो एनालॉग इनपुट के यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, आप कितने चैनल का लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं आठ चैनल का ले लेते हैं, आठ चैनल का AI ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर ये तीसरे स्लॉट पर है, एनालॉग इनपुट हो गया तो ये बर्ड में लेगा। ये इसकी एड्रेसिंग कैसे होगी, %IW, और ये तीसरे नंबर स्लॉट पर है तो %IW3.0 से स्टार्ट होकर के %IW.7 तक चला जाएगा। तो इसका एड्रेस कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो दिखाई देगा %IW3.0 से लेकर के %IW3.7 तक IO एड्रेसिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। तो ये हमने एनालॉग इनपुट का देख लिया, अब हम एक एनालॉग आउटपुट का देख लेते हैं। एनालॉग आउटपुट का कोई एक मान लीजिए ये ले लेते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा दो चैनल का है, यानी कि दो एनालॉग आउटपुट हैं इसके अंदर। तो इसकी एड्रेसिंग क्या हो जाएगी, QW से, यानी कि %QW, और स्लॉट नंबर 4 है तो %QW4.0 से लेकर के .1 तक, दो ही चैनल का है। इसके एड्रेस कहाँ मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं %QW4.0 और %QW4.1। इस तरह से इसके अंदर IO एड्रेसिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ एड्रेस होते हैं तो वो मेमोरी के अंदर आते हैं। प्रोग्रामिंग में जाएंगे, टूल्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेमोरी ऑब्जेक्ट्स। मेमोरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेमोरी बिट्स, मेमोरी बर्ड और कॉन्स्टेंट बर्ड। तो मेमोरी बिट्स के अंदर आप देख पाएंगे टोटल अवेलेबल होते हैं 1024, उसमें से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। अभी ये 512 है, यानी कि %M0 से लेकर के %M511 दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए बढ़ा देते हैं 13 कर देते हैं और अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर %M512 तक हो जाए। तो ऐसे इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। मेमोरी के जो बिट हैं इसको हम एज ए इनपुट में भी यूज कर सकते हैं और एज ए आउटपुट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बिट्स हो गई। अब दूसरे आते हैं वो मेमोरी वर्ड्स होते हैं। ये हमारे इसके अंदर 8000 अवेलेबल हैं और ये अलग अलग होते हैं। तीन प्रकार के एनालॉग इसमें मिल जाते हैं, बर्ड, डबल बर्ड और फ्लोट। तो ये इसमें भी ऑब्जेक्ट हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मेमोरी वर्ड 8000 है, उसमें से जितने भी आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। ऐसे ही डबल बर्ड 7999 है और फ्लोट है वो 7999 है। उसके अलावा कॉन्स्टेंट बर्ड भी हैं, ये KW से डिनोट होता है। अगर बर्ड है तो KW से, डबल बर्ड है तो KD से, फ्लोट है तो KF से। तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम IO मैपिंग कैसे कर सकते हैं और IO मैपिंग के क्या बेनिफिट्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।